ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपकी भांजी की जा रही है छेका करने के लिए। यहाँ पे मेरी ननद जो है कपड़ा वगैरह जो छेका में जाने वाले हैं उनको मतलब रख रही है अच्छे से, कौन कौन सा सामान जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे भैगना है ये, तो ये लोग जा रहे हैं सामान लेकर के। तो दीदी जल का जो है छींटा मार रही है। मेरे तीनों बच्चे जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी, और मेरे पापा भी जाएंगे, मेरे मायके से मेरे भाई लोग भी जाएंगे। तो देखिए लक्ष्मी बाय बाय कर रही है आप लोग को, और लक्ष्मी भी जा रही है, अंकुश सन सभी लोग जा रहे हैं, मेरे ससुर जी भी जा रहे हैं। देखिए और शाम का टाइम है फ्रेंड्स, देखिए गाड़ी बाहर में लग गई है, आ गई है थी। तो देखिए बच्चे लोग रेडी होके हंस रहे हैं, और देखिए ये लोग चले गए हैं। तो ये मेरे मार्केट का सीन है, गाड़ी से जा रहे हैं लोग। देखिए ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मतलब जहाँ मेरा मायका है ना वहीं पे बलग में ही मेरी भांजी का शादी जो है फाइनल हुआ है। और ये है मेरे भैया जिससे कि आप लोग पहचानते हैं। तो देखिए और यहाँ पे ना छेका का जो है मतलब चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है रस्म। तो देखिए हम लोग के तरफ जो है लड़के को पहले छेका जाता है कि छेकिन मतलब वो अब उनका शादी कहीं भी फाइनल नहीं होगा, ये फाइनल हो गया है। और अब छेका पड़ जाने के बाद वो दोबारा कहीं भी मतलब शादी का मतलब नहीं अथी करेंगे, और इसके बाद तिलक होगी। तो शादी जो है अभी नहीं होगी, अभी बस छेका ही होगी। तो आज जो है ना लड़के वाले को गए हैं लड़के को छेका देने के लिए, फिर लड़की को आएंगे छेका करने के लिए। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दूल्हे जो हैं आ गए हैं। तो यही है मेरे भांजी का हस्बैंड जो बनने वाले हैं मतलब होने वाले हैं, तो वही है। और देखिए हम लोग की तरफ किस तरह से छेका दिया जाता है, किया जाता है लड़के को, आप देख सकते हैं। तो मेरी भांजी का ना अचानक से फाइनल हो गया था शादी। तो मैं ना बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है जिसे मैं नहीं भेज पाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं सोची थी कि ये छेका वाला जो वीडियो होगा उसे मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। और जब मेरी भांजी की आएंगे छेका करने के लिए तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि मेरी भांजी का जो है जो भी रस्म मेरे सामने हो तो उसको मैं ज़रूर यूट्यूब पर डालूँगी। तो यहाँ देखिए जो भी रस्म है आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में कैसे लड़के को छेका जाता है, और तिलक भी होगा तो वो अभी नहीं होगी, तिलक बाद में होगा। तो देखिए इस तरह से, और बताइएगा कि मेरे भांजी का जो होने वाला हस्बैंड है वो कैसा है, और आप लोग आशीर्वाद देना। और मेरे भांजी का जो पहला रस्म शुरू हो गई है तो उसको मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनका जो है ना ये रिश्ता मेरे घर से ही हुआ है, नानी घर से ही, यहीं से उसका रिश्ता मतलब हम लोग करवाए हैं। तो यहीं से उनका रस्म जो है पहला रस्म चालू हो गया है। तो देखिए लक्ष्मी भी गई थी, वो भी बोली कि मैं भी जाऊंगी, मतलब जाते हैं छेका में, बच्चे लोग भी जाते हैं। और ये जो है ये मेरा भांजा है, मेरे जिस भांजे का शादी फाइनल हुआ है तो उनका एक ही भाई है, इनका नाम है रवीश, मेरा एक ही मतलब भैगना है। तो भैगना मुझे और भी है, लेकिन उनका मेरी मंझली वाली ननद की लड़की का जो फाइनल हुआ है शादी उनको एक ही लड़का है। तो ये है मेरा भैगना और ये इनका नाम रवीश है। और ना मेरे पापा जी भी आए हैं, मेरे भैया भी आए हैं, क्योंकि जहाँ मेरा मायका है ना वहीं बलग में ही मेरी भांजी का रिश्ता पक्का हुआ है। तो देखिए पूरा विधि विधान के अनुसार जो है हुआ है, छेका पड़ा है, और ये है दूल्हे बैठे हैं साइड में, और ये है पंडित जी
मैं ना हर जगह म्यूट कर दी हूँ और वॉइस रिकॉर्डिंग की हूँ, क्योंकि वहाँ जो है गीत वगैरह चल रहे थे तो कॉपीराइट आ जाती, इस वजह से हम म्यूट कर दिए हैं सभी को और खुद से वॉइस रिकॉर्डिंग की हूँ। वही ना आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं अपने भांजी की जो है पूरा शादी का वीडियो यूट्यूब पर मैं ज़रूर डालूंगी, कोशिश करूंगी। और ये मेरे भांजे के बगल में जो बैठे हैं ये मेरे जेठ हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं मेरा जो मोबाइल है, मेरा जो अंकुश है वो लेके गया था, बोला था मम्मी मैं वीडियो बना के लाऊंगा, तो वो लेके गए थे। मेरा बेटा ही वीडियो बना के वो लाया है, तो हम बोले ठीक है लाया है तो मैं डाल दूँगी। तो देखिए मैं घर पे थोड़ा सा ही वीडियो बना पाई थी, क्योंकि ना बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, अगर कोई भी फंक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा काम होती है, तो वो मुझे ही मतलब करना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में मैं और सासू माँ और मेरी ननद है, और अभी बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, और जल्दी बाजी में शादी पक्का हो गया भांजी का, तो इसीलिए। और ये लोग ना मेरी जो ननद है वो दिल्ली में रहती है, तो वो भी अचानक ही आई, हम लोग को जैसे ही पता चला था लड़के के बारे में, तो हम ये बहुत जल्दी में मतलब रिश्ता पक्का हुआ है। तो अभी जो है देखिए अभी फलदान मतलब फलदान करेंगे और छेका पर हो जाएगी लड़का का जाएगा। देखिए ये हैं अभी मतलब जो भी होता है ना पूजा सब वगैरह वही सब हो रहा है, और अभी जो है ना फल को दान करेंगे, मतलब लड़के के हाथ में फल का थाली जो है वो देंगे। और ये तो मेरे हस्बैंड हैं जिसे आप लोग जानते हैं, तो देखिए अभी फल मतलब देंगे लड़के के हाथ में, सभी फल को एक एक बार करके कलश में मतलब टेक करके हाथ में डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आप लोग के साथ मैं अपने भांजे का जितना भी वीडियो बना पाऊंगी तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, वीडियो बना हुआ है मैं शूट कर लेती हूं लेकिन भेज नहीं पाती हूं, बच्चे लोग हैं तो लोग मोबाइल ले लेते हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मैं शौक़ से नहीं छोड़ती हूँ कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ नहीं डालूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। और देखिए ये है मैंगो, तो ये मैंगो जो है ना ग्रीन दिख रहा है लेकिन ये पका हुआ ही था, और अभी मार्केट भी ना अभी तो 2 बजे तक मतलब मार्केट लग रही है, और गर्मी भी बहुत है धूप भी, तो पहले 11 बजे तक थी लॉकडाउन, मतलब 11 बजे तक ही खुली रहती थी, और अभी तो 2 बजे तक है बढ़ा दी गई है। तो देखिए सभी फल को मतलब दे देंगे, फलदान हो गई है, और फिर कपड़ा जो है लड़के को दिया जाएगा, फिर उसे जो है लड़का वो वाला कपड़ा पहन के आएंगे जो मतलब हम लोग की तरफ से दिया गया है, लड़के वालों की तरफ से वो वाला कपड़ा पहन के आएंगे। तो देखिए इसी तरह फलदान की रस्म होती है, और देखिए अभी कपड़े दे रहे हैं तो फिर इसे पहन के आएंगे, चेंज करके आएंगे, इसी तरह मतलब होती है फलदान। और अभी लड़के जो है जाएंगे चेंज करने के लिए, और बहुत अच्छे घर में रिश्ता पक्का हुआ है मेरे भांजे का, और ये रिश्ता पक्का किए हैं मेरे हस्बैंड, वही मतलब ये रिश्ता पक्का किए हैं। तो देखिए अभी जो है लड़का जो है होने वाले जो दूल्हे हैं वो कपड़ा चेंज करके आ गए हैं जो हम लोग की तरफ से उनको मिला है, और अब फिर से चालू हो जाएगी रस्म, और इसी तरह रस्म होती है जो बिहार के होंगे उसे पता होगा, और फिर टीका वगैरह लगेगा और आशीर्वाद देंगे सभी लोग। और पहले ना हमारे तरफ क्या है ना, पहले लड़के को कोई भी अगर रस्म होती है तो पहले लड़के वाले को ही किया जाता है, फिर लड़के वाले के घर होती है,
तो इसके बाद अभी लड़के वाले के घर छेका पड़ रहा है, उसके बाद लड़के वाले आएंगे लड़की को छेका करने के लिए। तो अभी जो है मेरे भांजा को उतना पता नहीं है, अभी छोटा है वो, लेकिन मेरी भांजी से बड़े हैं और इनका नाम रवीश है। उसे कुछ आता नहीं है तो उसे बता रहे करने के लिए। और अभी सभी लोग टीका वगैरह देंगे लड़के को। देखिए अभी अब जो है छेका हो गया है, अब सभी आशीर्वाद देंगे और टीका देंगे। तो अभी जो है टीका करने के लिए मेरे पापा आएंगे। मेरे पापा को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लाइट के वजह से फेस क्लीन नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये है मेरे पापा और मेरे भैया भी आए हैं। तो अभी सभी लोग टीका देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। ये है मेरे भैया जो अभी टीका लगा के गए हैं। आप लोग तो उसे वीडियो में बहुत बार देख चुके हैं क्योंकि वो भिलाई जाते हैं बउआ को दिखाने के लिए, तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे। मेरा भतीजा भी गए हैं, आप लोग जो पहचानते होंगे तो उसे तो पहचान ही लेंगे। और यहाँ भी वो लोग आने वाले हैं, छेका में भी आएंगे हमारे घर, क्योंकि हमारे घर से ही मेरी भांजी का जो है कि छेका होगा, उनके नानी घर से ही। तो देखिए अभी सब टीका वगैरह लगा दिए हैं। अब जो है ना लड़के वाले के जो माँ लोग होती है, माँ सिस्टर, ये लोग जो है सब मतलब अथी कर चुमाते हैं हम लोग की तरह। अभी पहले आशीर्वाद देंगे, अरवा चावल से आशीर्वाद देते हैं अच्छत से। तो अभी सभी लोग आशीर्वाद दे दिए हैं और अब जो है ना लड़के वाले के तरफ से जो मतलब उनकी बहन है, आंटी वगैरह, सिस्टर लोग, वो लोग जो है ना लड़के को टीका लगाएंगे और चुमाएंगे। हम लोग की तरफ चुमाते हैं अरवा चावल से, कच्चा चावल से लड़के को। और इसी प्रकार हो जाती है रस्म छेका की। तो आप देख सकते हैं मेरा होने वाला भैगन, दामाद दीजिएगा मुझे। तो देखिए अभी चुमा रही है, मुझे पता नहीं है उनकी माँ है कि कौन है, ये सब पता नहीं है, लेकिन इसी तरह चुमाते हैं और फिर इसी तरह रस्म हो जाती है फ्रेंड्स को बताना। और मैं ना अभी किसी की वीडियो पे नहीं जा पाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मैं किसी के वीडियो पर जाती नहीं। देख और जाती भी हूँ तो वीडियो में देख लेती हूँ, लेकिन कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। और आप लोग को पता है कि मैं ससुराल में हूँ तो ससुराल का भी फर्ज मुझे निभाना पड़ता है, इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। तो प्लीज़ आप लोग मेरी जो है कि मजबूरी आप समझ सकते हैं। तो मेरा कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताना, और ना किसी तरह टाइम निकाल के हम ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया है जल्दीबाजी में। तो मेरा जो होने वाला दामाद है तो आप लोग उसे बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि छेका मतलब अच्छा से हुआ है कि नहीं हुआ है। और कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर करूँ, बना हुआ वीडियो है लेकिन मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ आप लोग के वीडियो पे मैं जाऊँ और आप लोग को कमेंट करूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूं। तो इसी तरह देखिए अभी सभी लेडीज लोग जो है चुमा देते हैं, हम लोग इसे चुमावन ही बोलते हैं, रस्म हो गई है। तो देखिए लड़के को जो है परस देंगे, परसने के बाद क्रम हो गई है, रस्म पूरी हो गई है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।